हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वादलिशियस फॉर यू किचन। तो आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही डिलीशियस रेसिपी, क्योंकि आजकल बहुत ही ऑस्पिशियस मौके चल रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक ऐसी सब्जी बताएं जिसमें प्याज लहसुन की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, तो आप उसको बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं, और वो राजस्थान की बहुत ही स्पेशल सब्जी है, गट्टे की सब्जी। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना। तो ये मैंने 2 कप बेसन लिया है और इसमें हम लोग सारे मसाले मिक्स करेंगे। तो मैं 1 स्पून मैंने रेड चिली लिया है। आप मसाले आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि आपको कितना तीखा चाहिए या फिर क्या है। तो मैंने हल्दी डाल दिया। तो अभी आप ये गट्टे बना रहे हैं, राइट? थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। हाँ, एंड इसका जो मेजर है वो है अजवाइन। देखिए, अजवाइन और फेनल सीड्स हमने यहाँ पे ली हुई हैं। तो आप इसको अजवाइन को ऐसे करके, ये ऐसे आप मसल के डाल रहे हैं, इसका क्या? इससे पूरी अजवाइन का टेस्ट अच्छा आ जाएगा और वो खड़ी खड़ी मुंह में नहीं आएगी। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। और कहते हैं जब आप हथेली के बीच में मसल के इस तरह का कुछ डाल रहे हैं ना, तो उससे ऑयल रिलीज होते हैं मसालों के। अच्छा, सो दैट इज वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी। देखिए, हम सौंफ भी इस तरह से मसल के अपने गट्टे के आटे में डाल देंगे। और आपको नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए और हम लोग अपने सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। ओके, अब ये जैसे ही मेरा मिक्स होगा, इसमें हमको मोइन मिलाना है। तो मैं घी का मोइन डाल रही हूँ क्योंकि हम लोग ऑयल नहीं यूज़ करते, बहुत होता है। तो आप इसमें मोइन अच्छे से डालिए थोड़ा सा। और वैसे भी हिंदुस्तानी जो ट्रेडिशनल खाने हैं उनमें घी का अपना अलग ही स्वाद आता है। एक्चुअली घी का टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस आप डालिए, फिर अगर आपको और लगता है तो अपने हिसाब से इसमें कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें ऑलमोस्ट हमने 1 टेबलस्पून घी डाला है मोइन के लिए। आई थिंक राशि अपन को 1 टीस्पून और लगेगा इसमें। ओके, तो जैसा कि हमने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, मोइन लगाने के लिए आपको जो ऑयल या तेल आप जिसका भी मोइन लगा रहे हैं वो ईच एंड एवरी पार्टिकल्स में पहुंचना चाहिए मोइन, राइट? यस। तो वो अच्छे से मोयन लगता है और बहुत अच्छा फिर जो भी हम बना रहे हैं, या तो मठरी होगी या तो लड्डू हो गए, तो बड़े अच्छे से पहुंचता है और एकदम खस्ता बनती है। खस्ती बनती है, एकदम आपके गट्टे एकदम टाइट नहीं होंगे, इससे अच्छे बनेंगे गट्टे मोयन डल गया तो मैं इसमें थोड़ा सा मोयन और डालूंगी। तो 1 स्पून अराउंड और डाल लीजिए। अब चाहे तो इसमें आप ऑयल का भी डाल सकते हैं। मेजरली लोग इसमें ऑयल ही डालते हैं, बट हम लोग नहीं यूज़ करते, थोड़ा सा ऑयल हमारा कम यूज़ हो रहा है तो इसलिए हम लोग घी का डाल रहे हैं। बाकी स्वाद ऑलमोस्ट आपका सेम आएगा, घी का अपना अलग स्वाद होगा। हाँ, बट ऑयल भी आप इसमें डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत धीरे धीरे मिक्स करना है इसमें, क्योंकि हमें रोटी के आटे जैसा बनाना है। हाँ, रोटी के आटे जैसा बनेगा। और वही अपने ओल्ड ट्रिक की धीरे धीरे पानी डालिए, धीरे धीरे डालिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ये आटे की तरह इसे गूंद लिया है। हल्का थोड़ा ये चिपकेगा, नो डाउट, थोड़ा हल्का चिपकेगा। तो आप अपने हाथ में ऑयल या घी लगा लीजिए और आपको इसको ना ऐसे लंबा लंबा बनाना है, सिलेंड्रिकल इसके लोई बना लेने हैं। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस शेप के आपको ये बनाने हैं। और इन द मीन वाइल जब तक हम ये बनाते हैं, तब तक हमने देखिए यहाँ पे पानी उबाल लिया है गंज में, ताकि इसे हम उबाल सकें। देखिए इसे इतना उबाल लेना है पानी को, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा गर्म हुआ और उसमें डाल दिया, अच्छे से जब तक एक उबाल नहीं आ जाता पानी में,
हमारे देखिए ये सारे गट्टे की लोइयां बनकर भी बिल्कुल तैयार हैं। देखिए इस तरह से हमारी सारी ये लोइयां बन चुकी हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं हमें ये सारी लोइयां जो उबलते हुए पानी में डालनी है। देखिए इस तरह से बहुत अच्छे पक के ये बाहर निकलेंगे और जो कि ये थोड़ा हमारा आटा सॉफ्ट लगा है बहुत सुंदर बनेंगे। देखिए इस तरह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये ऊपर डाल रहे हैं नीचे डाल रहे हैं, इट्स ओके राइट प्रगति? हाँ, क्योंकि हाँ, पकेंगे तो पकेंगे वो ऑटोमेटिक ऊपर आएंगे। देखिए इस तरह से ये आपके गट्टे बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसे ढक देंगे। हाँ इसे ढक दो। ओके अब देखिए अभी नहीं ढकते राशि, इसको हम थोड़ा उबलने देंगे। ठीक है ओके। तो ये आप देखिए कि हमारे गट्टे ऊपर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट ये पक चुके हैं। तो बस हम इसको 5-7 मिनट कवर करके छोड़ देंगे राशि, ताकि थोड़े और अच्छे से हो जाएंगे। कवर करके मीडियम टू हाई फ्लेम में, मीडियम टू हाई पे छोड़ दीजिए। ये हमारे गट्टे अच्छे से पक चुके हैं और इसको आपको देखने का तरीका है, तो मैं आपको एक गट्टा बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए इस पे बहुत व्हाइट व्हाइट दाने आ गए हैं, तो इट मीन्स कि ये पक चुका है। अच्छा ओके। तो ये इसका एक ट्रिक है राशि, अगर आपको देखना है कि आपके गट्टे पके या नहीं तो आप देख सकते हैं। वैसे भी अगर ये पानी में ऊपर आ गए तो पक गया है ऑलरेडी, और अगर आपको और देखना है तो इनपे ये दाने टाइप आ जाएंगे सारे गट्टों पे। अच्छा ओके। तो बस ये हमारा पक चुका है, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे गट्टों को। तो ऑलमोस्ट इसको 5-7 मिनट्स ही लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इनको। तो देखिए कि हमने अपने गट्टे जो निकाल कर एक प्लेट में रख लिए हैं, और जो गट्टे के जिस पानी में हमने उबाला था उसे भी हमें एक साइड में रखना है, क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दिस एज द करी ऑफ द सब्जी। तो हमें ये करी के लिए इसे साइड में रखना है, और हमने यहाँ पे गट्टे निकाल के ठंडे होने के लिए रख दिए। इन द मीन वाइल यहाँ पे देखिए हमने करीब एक कप दही लिया है, और इसमें ना आप ये देखिए कि कुछ भी लम्स ना हो, तो इसको अच्छे से फेंट लीजिए। अच्छा ओके। ताकि आपकी सब्जी में भी वो नहीं आएगा, लम्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दही हम घर पे ही जमाते हैं तो ये दही आप इस तरह से फेंट लीजिए। तो ये मेरी दही अच्छे से पूरी एक जैसी हो गई है, तो मैं थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब हमने दही में ही मिला लिया रे। yes. okay. और अब हम इसको फिर से अच्छे से फेंट लेंगे, फेंट लेंगे फिर से। तो ये हम लोग अपने गट्टों को बिल्कुल आपको ये छोटे छोटे से काट लेने, ज्यादा थिक मत रखिए। हम लोगों ने अपना 1 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है, अब इसमें हम लोग जीरा डाल लेंगे, राई, हींग। ये हींग हमारी बाजार वाली हींग है, इसलिए इतनी ज्यादा अमाउंट की डाली हुई है एक्चुअली, वरना अगर आपके पास रियल हींग हो तो बहुत वो कम लगती है वो, छुट्टी आएगी। और ये कटी हुई मिर्च, एंड मेजर इसका टेस्ट आएगा कड़ी पत्ता से, तो ये कड़ी पत्ता हमने डाल दिया। तो ये जैसी अच्छे से फूट जाए और बस मसाले, इसमें थोड़ी सी अगेन हमने जो बताया था मिर्ची और ये डाल देंगे, ताकि इससे आपकी सब्जी का कलर अच्छा आ जाएगा। वाह। और जैसे ही हुआ आपको दही डालना स्टार्ट करो, दही डालते वक्त ध्यान रखिए कि इसको कंटिन्यूस स्टर करो। क्योंकि दही फटने का डर हो सकता है, इसलिए इस दही को आप कंटिन्यूसली स्टर करेंगे। तो देखिए कि दही नहीं फटी हम लोगों की, पर हमारे दही में उबाल आ जाए। हमने हम इसमें गट्टे मिलाने मिक्स करेंगे। हमने जो बताया था जैसा कि आपको, वो पानी ही रखा हुआ है, हमने गट्टे का अपना जो पानी लिया हुआ है
अब उस पानी को इसमें मिक्स कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी से आपको समझ आ जाएगा क्योंकि हमको बॉईल भी करना है इसको भी। तो जैसे ये कंसिस्टेंसी इसकी सही है बिल्कुल। तो देखिए बिना प्याज लहसुन के कितनी अच्छी सब्जी बनकर आपके सामने तैयार है। और जब आपके पास कुछ भी सब्जियां अवेलेबल नहीं है, आपको स्वाद चेंज करना अपने मुंह का और इस तरह से, राइट, तो वो आपको बहुत अच्छा एक मतलब मजा आ जाएगा। और ये गट्टे वैसे भी दो वैरायटी के बनते हैं, कोई प्याज लहसुन वाली ग्रेवी के भी बनते हैं, तो वो भी मैं बनाती हूँ। बट ये टू वेज है कि ओनली दही वाला गट्टा बनता है, कि अगर आप प्याज लहसुन, जैसे अभी गणेश जी के टाइम चला तो हम लोग प्याज लहसुन नहीं खा रहे, तो इसलिए हम लोगों ने इसका ये वाले मेथड से, और हमने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ही शेयर करते हैं। बस अब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कि हमारे गट्टे अच्छे से बॉईल हो गए। हमने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक बॉईल किया है। अब हम लोग इसको धनिए से अच्छे से गार्निशिंग कर लेंगे। कटे हुए धनिए के जो स्वाद आता है वो तो अमेजिंग होता है। बस इसको गार्निश कीजिए और इसको गरम गरम रोटी या पराठे के साथ सर्व कीजिए। वाह, ऑसम। तो देखिए हमारी गट्टे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।